दोस्तों हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए एक और जबरदस्त स्टार्टअप बिजनेस आइडिया लेकर, जिसको अगर आप इंडिया में शुरू करते हैं तो आप नेक्स्ट रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितना हमने रिसर्च किया अभी हाल फिलहाल में इंडिया में कोई भी इस पर्टिकुलर स्टार्टअप के ऊपर काम नहीं कर रहा है, लेकिन फॉरेन की एक कंपनी है जो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रही है और बहुत ही अच्छे लेवल पे काम कर रही है। सो दोस्तों यहां पे आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन, आप क्या कर सकते हैं, उस कंपनी से आप इंस्पायर हो सकते हैं और इंडिया के अंदर भी उसी तरीके की चीजें बनाकर बेच सकते हैं और यहां पे जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरा ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हैं, उस कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वो कंपनी जो भी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करती है उसको लेकर इंडिया में ला सकते हैं और यहां पे लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्टअप बिजनेस आइडिया क्या है और कौन सी कंपनी को स्टार्टअप बिजनेस आइडिया कर रही है, जानेंगे इस वीडियो में। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हे दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का जो स्टार्टअप बिजनेस आइडिया है वो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बदल कर रख सकता है। देखिए दोस्तों, आप खुद जानते होंगे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और प्रैक्टिकल पे बहुत ही कम ध्यान देते हैं। अगर हम साइंस के या इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात करें तो उनको सारे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए प्रैक्टिकली दिखाना पड़ता है, जिसके लिए उनको जो प्रिजर्व किए हुए जीव जंतु होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, ह्यूमन बॉडी की ज़रूरत पड़ती है, मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है, पुर्जों की ज़रूरत पड़ती है। अब दोस्तों ये जो सारी चीज़ें होती है स्कूल कॉलेज में तो अवेलेबल होती है, लेकिन अगर कोई बच्चा अपने घर पर खुद प्रैक्टिस करना चाहे तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ईजिली अवेलेबल नहीं होती और कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है तो हर एक स्टूडेंट उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। इसके अलावा दोस्तों लॉकडाउन में तो हालात और ज़्यादा खराब हो गए, आपने खुद ने देखा होगा जितने भी बच्चे थे वो घर से ही पढ़ाई कर रहे थे, तो वो थ्योरी तो पढ़ रहे थे लेकिन प्रैक्टिकल से वो बहुत ज़्यादा दूर हो चुके थे। और दोस्तों आप ये चीज़ खुद समझते होंगे, अगर आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो चीज़ आपको सिर्फ 50% याद रहती है, लेकिन अगर उसी चीज़ को आप पढ़ने के बाद लिख देते हैं तो आपको 70% याद रहती है, लेकिन दोस्तों अगर आप किसी चीज़ को सुनते हैं, देखते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं तो वो चीज़ आपको ज़िंदगी भर याद रहती है। इसीलिए दोस्तों हमारी स्कूल और कॉलेज के टाइम में हम जो प्रैक्टिकल्स देखे थे वो हमको आज भी याद है। दोस्तों हो सकता है कि आपको सारे प्रैक्टिकल्स याद ना हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपको याद होंगे। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो प्रैक्टिकल पे कम फोकस करता है, थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा कॉलेज पास होने के बाद में भी उसको जॉब इजीली अवेलेबल नहीं होती और मार्केट के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट फैलती जाती है। सो दोस्तों आज का जो स्टार्टअप बिजनेस आइडिया है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और उसकी मदद से आप बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि वो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाएगा और वो स्टार्टअप बिजनेस आइडिया एग्जैक्टली है क्या। देखिए दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा जिसकी वजह से स्टूडेंट्स किसी भी चीज़ को या किसी भी कॉन्सेप्ट को लाइव देख सकें और लंबे समय तक याद रख सकें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसी टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल है और उस टेक्नोलॉजी का नाम है होलोग्राम टेक्नोलॉजी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस टेक्नोलॉजी की मदद से किसी भी चीज़ को रियलिस्टिक तरीके से दिखाया जा सकता है, तो ऐसा करने से स्टूडेंट को किसी भी चीज़ को याद करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी और किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मैं आपको एक चीज़ पहले भी बता चुका हूँ, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर इंडिया में कोई भी काम नहीं कर रहा है और ना ही ये टेक्नोलॉजी ज्यादा इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुई है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा किया जा रहा है। यूएस की एक कंपनी है जिसका नाम है लिया इंक, इस कंपनी का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये कंपनी नैनो टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसे टैबलेट और मॉनिटर बनाती है जिनकी मदद से हम किसी भी चीज को रियलिस्टिक तरीके से देख सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ में यूएस के जितने भी स्कूल्स हैं कॉलेजेस हैं वहां पे इनके गैजेट्स यूज किए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनकी टेक्नोलॉजी को और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, जैसे कि ऑटोमोटिव, गेमिंग, मेडिकल, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जहां पे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इनको 130 मिलियन की फंडिंग भी मिल चुकी है ताकि अपनी टेक्नोलॉजी को पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला सकें। इसके अलावा दोस्तों हो सकता है आने वाले टाइम में इनको और भी फंडिंग मिले। तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। सबसे पहला ऑप्शन, अगर पॉसिबल है, आपको इतना टेक्निकल नॉलेज है, इतने पैसे आपके पास हैं, तो इस तरीके के गैजेट आप इंडिया में बना सकते हैं और इंडिया में जितने भी कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ पे सप्लाई कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है, इतने पैसे नहीं है, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है, आप इस कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनके गैजेट्स को इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हैं और उसके बाद में आपके आसपास में जो भी स्कूल कॉलेजेस हैं वहां पे सप्लाई कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं स्टार्टअप को आप कैसे शुरू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस स्टार्टअप को अगर आप पहले तरीके से शुरू करना चाहते हैं, मतलब खुद के गैजेट डेवलप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक टीम बनानी होगी, जो टेक्निकल टीम होगी जो पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करेगी। और ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है और आई नो इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो इस प्रोसेस को नहीं अपनाएंगे वो सेकंड ऑप्शन को चूज करना चाहेंगे। सो दोस्तों सेकंड ऑप्शन में क्या है, आपको सिंपली उस कंपनी से कॉन्टैक्ट करना होगा जिन्होंने ये गैजेट्स ऑलरेडी बना लिए हैं और वहां से इंडिया के अंदर इंपोर्ट करके आपको रख लेना है और उसके बाद में आपके आसपास में जो भी कॉलेजेस है स्कूल्स हैं वहां पे जाना है और अपने गैजेट का डेमो दिखाना है और वहां से आपको ऑर्डर लेने होंगे। और दोस्तों मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा, जो भी ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जहां पे साइंस और इंजीनियरिंग से रिलेटेड बच्चे होते हैं तो आप उनको टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसे इंस्टीट्यूट के अंदर प्रैक्टिकल और टेक्निकल एजुकेशन करवाया जाता है जिसके अंदर ये गैजेट बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप अपने खुद के शोरूम ओपन कर सकते हैं और वहां पे इस पर्टिकुलर गैजेट का या जो भी गैजेट्स होते हैं उनके डेमो दिखा सकते हैं। जितने ज्यादा डेमो दिखाएंगे उतने ही ज्यादा आपके प्रोडक्ट बिकने के चांसेस होंगे। इसके अलावा दोस्तों आप अपना ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर ओपन कर सकते हैं, उससे भी आप प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे और साथ ही साथ में आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट की मदद से भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ट्रस्ट मी दोस्तों, अगर आप इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कोई भी कंपनी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर काम नहीं कर रही है। आप फर्स्ट होंगे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करने वाले, तो आपको रिस्पांस बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको जरूरत पड़ेगी गैजेट्स की जो आप कंपनी से मंगाने वाले हैं, तो उन सारे गैजेट्स को आपको बल्क में खरीद के इंडिया के अंदर मंगाना होगा। दूसरा, आप अगर इसको ऑफलाइन बेचना चाहते हो तो आपको शोरूम ओपन करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको खुद को डिसाइड करना होगा कि आप कितने शोरूम के साथ शुरू करने वाले हैं, एक के साथ, दो के साथ या उससे ज्यादा, तो आपका जितना भी बजट होगा उसके हिसाब से शोरूम ओपन कर सकते हैं। तीसरा, आपको एक ई कॉमर्स स्टोर की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो आपके पास एक ई कॉमर्स स्टोर होना चाहिए जिसको आप किसी भी आईटी कंपनी की मदद से बनवा सकते हैं, या फिर दोस्तों अगर आप खुद बनाना चाहें तो वर्डप्रेस की मदद से खुद भी बना सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस चैनल के ऊपर मैंने एक 40 मिनट का वीडियो अपलोड किया है जिसके अंदर मैंने आपको ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया कि कैसे आप अपना ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चौथा, एम्प्लॉयज। देखिए दोस्तों इस तरीके का बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास कम से कम 8 से 10 एम्प्लॉयज होने चाहिए। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि इतने लोगों की जरूरत क्यों पड़ेगी। देखिए दोस्तों अलग अलग स्कूल और कॉलेजेस में जाके बात करने के लिए आपको लोगों की जरूरत पड़ने वाली है, आप अकेले सब जगह पे जा नहीं सकते। इसीलिए दोस्तों मैंने कहा कि अगर ऐसा स्टार्टअप शुरू करना है तो आपके पास कम से कम 8 से 10 लोग होने चाहिए, जिसमें से 4 से 5 लोग तो ऐसे ही होंगे जो ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, अलग अलग कॉलेजेस स्कूल में जाके बात करेंगे। इसके अलावा जो 4 से 5 लोग होंगे वो ऑफिस में बैठेंगे, जो बैक ऑफिस का जो भी काम होगा वो सारा काम करने वाले हैं। पांचवा, ऑफिस सेटअप। देखिए दोस्तों इस तरीके का स्टार्टअप अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आपके एम्प्लॉयज आराम से बैठ के काम कर सके, उसके लिए आपको पूरा ऑफिस का सेटअप भी करना होगा। उसके अंदर जो भी इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, जो भी आपको कंप्यूटर लेना होगा और भी जो चीज़ें लेनी होगी, वो सारा सेटअप आपको उसके अंदर करके रखना होगा ताकि आपके एम्प्लॉयज आसानी से वहां पर बैठ के काम कर सके। छठा, डॉक्यूमेंटेशन। देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इस तरीके का स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी कंपनी को रजिस्टर करना होगा। कंपनी का रजिस्ट्रेशन आप किसी भी फॉर्मेट में करवा सकते हैं, एज ए सोल प्रोपराइटर, पार्टनरशिप फर्म या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसके बाद में दोस्तों आपको ट्रेड लाइसेंस की जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। इसके अलावा दोस्तों आप गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं, सब्सिडीज लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन भी करवा लेना चाहिए। और साथ ही साथ में दोस्तों बाहर के देशों से प्रोडक्ट को इंडिया के अंदर इंपोर्ट करने के लिए आपको एक कोड भी लेना पड़ता है और उस कोड के लिए भी आपको अप्लाई करना होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं और भी कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, तो आप अपने सीए से बात करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर पाएंगे ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के बारे में। सातवां, मार्केटिंग। देखिए दोस्तों अगर आप इस तरीके का बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको दो तरीके से मार्केटिंग करनी होगी, सबसे पहला ऑफलाइन मार्केटिंग और दूसरा ऑनलाइन मार्केटिंग। दोस्तों अगर आप मार्केटिंग नहीं करेंगे तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आपने ये बिजनेस शुरू कर लिया और लोग आपके प्रोडक्ट तक पहुंच नहीं पाएंगे, तो मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाली है। और दोस्तों मार्केटिंग के लिए भी आपको अच्छा खासा बजट रखना होगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी इस तरीके का स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसके पास कितने पैसे होने चाहिए। दोस्तों एक चीज मैं पहले क्लियर करना चाहूंगा, अगर आप यूएस की किसी कंपनी से बल्क में प्रोडक्ट मंगाना चाहते हैं तो आपके पास अच्छे खासे पैसे होने चाहिए। वो कंपनी 10 या 15,000 का माल आपको नहीं देने वाली। अगर आपके पास 20 से 25 लाख रुपए होंगे, उतना माल आप मंगाएंगे तो वो कंपनी आपको एंटरटेन करेगी। अगर आप उनको बोलेंगे 10,000 का माल भेज दो, 20,000 का माल भेज दो, तो शायद वो कंपनी आपको एंटरटेन भी ना करे। तो आप यूं मान के चलिए कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए खाली प्रोडक्ट के अंदर 20 से 25 लाख रुपए हैं तो ही आप ये बिजनेस कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों और भी चीजों को सेटअप करने के लिए, जैसे कि ऑफिस को सेटअप करने के लिए, इक्विपमेंट खरीदने के लिए और भी छोटी मोटी चीजें खरीदने के लिए आपके पास कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट और होना चाहिए। सो आप यूं मान के चलिए कि अगर कोई भी ये पर्टिकुलर स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसके पास कम से कम 25 से 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर इतना इन्वेस्टमेंट होगा तो ही स्टार्टअप को किया जा सकता है, अगर इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो शायद ही आप स्टार्टअप को कर पाएंगे। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अगर कोई ये स्टार्टअप शुरू करता है तो वो कितने पैसे कमा सकता है। देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर कोई भी फिक्स प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। आप अकेले अगर इंडिया के अंदर इस काम को कर रहे हैं
तो आप जितना प्रॉफिट मार्जिन कमाना चाहते हैं उतना कमा सकते हैं। आप 100% भी रख सकते हैं, उससे ज्यादा भी रख सकते हैं, जितना प्रॉफिट मार्जिन आप कमाना चाहते हैं उतना कमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मार्केट के अंदर आपकी मोनोपोली होगी, आप अकेले ही ऐसे होंगे जिनके पास ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप किसी और बिजनेस के ऊपर डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।